सपोर्टर, सपोर्टर जिम में पहनना चाहिए क्या नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं जॉक स्ट्रैप। अब जॉक स्ट्रैप की बात करें तो जॉक स्ट्रैप क्या है, तो जॉक स्ट्रैप एक ऐसा इनरवियर है जो कि 1874 में लॉन्च हुआ था। अगर कंपनी का नाम लूं मैं तो बाइक एथलीट करके कंपनी थी, जो कि जिन्होंने ये इजाद किया था, इन्होंने इन्वेंट किया था, जैसे बाइसाइकिल राइडिंग जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए, कि उनका टेस्टिकल जो है वो आपस में टकरा के कोई इंजरी क्रिएट ना करे और वो इंजरी फ्री रहे, तो उस दौरान हुआ था। फिर धीरे धीरे अगर आप देखें तो ये सारे स्पोर्ट्स में आने लगे, जैसे कि क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर, हॉर्स राइडिंग के अंदर, ऐसे में कि वहाँ पे वो इंजरी फ्री रहे। फिर सेम लाइकवाइज बॉडी बिल्डिंग में यूज होने लगा। अगर बॉडी बिल्डिंग की मैं अगर बात करूँ तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये ऐसा इतना जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन तब तक अगर आप लोग कार्डियो नहीं कर रहे हैं या फिर आप रनिंग नहीं कर रहे हैं, ये सारे एक्सरसाइज में आप ले सकते हैं कार्डियो सेशन में, रनिंग के अंदर। बट अगर आपको वेट ट्रेनिंग में भी यूज करना है तो ये वहां पे आप डिसकंफर्ट फील करेंगे, क्योंकि अगर मैंने ऐसे बहुत लोगों को पूछा कि आप क्यों यूज कर रहे हैं तो वहां से आंसर आता है कि इससे हर्निया के चांसेस होते हैं। तो हर्निया का आप समझिए, अगर आपका एब्डोमिनल मसल्स ऐसे सब वीक्स हैं तो आप लोगों को हो सकता है हर्निया, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, तो ये एक प्रकार का मिथ भी है। तो अगर आप ऐसे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पे टेस्टिकल्स आपका आपस में टकराए और कोई इंजरी क्रिएट करे, तो वहां पे आप ये चीज पहन सकते हैं, बट वेट ट्रेनिंग में आपको ये मोस्टली जरूरत नहीं पड़ेगा। वहां पे आप वी शेप टाइप इनर वियर भी पहन सकते हैं, उससे आप लोग का बहुत अच्छा काम हो जाएगा। थैंक यू।